गुलबर्गा शहर के रिंग रोड की हालात से आप वाकिफ जरूर होंगे। ये वही रिंग रोड है जहां हर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कई मासूम बुजुर्ग महिलाएं और नौजवान इस रिंग रोड पर अपनी जान गंवा दिए हैं। जब भी एक्सीडेंट में किसी मासूम की मौत होती है तो कई सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस एहतजाज कर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ की मांग करते हैं। लेकिन आज यूथ लीडर शरण आईटी के जरिए गुलबर्गा हेडलाइंस पर कुछ ऐसा डाटा आपको दिखाया जाएगा जिसमें रिंग रोड रिपेयर वर्क के नाम पर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है। गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिंग रोड लालगिरी क्रॉस से अलन चेकपोस्ट और अलन चेकपोस्ट से अलन नाका तक रोड डैमेज होने पर 15 फाइनेंस फंड से 1,60,00,000 रुपयों का टेंडर पास कर 5 mm की डांबर रोड डालने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन जब शरण आईटी ने इस रोड टेंडर की डिटेल निकाली तो ऐसी हकीकत सामने आई जिसको सुन आप दंग रह जाएंगे। शरण आईटी ने कहा, गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स के इन्वॉल्वमेंट से कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ 25% वर्क कंप्लीट कर 1,60,00,000 रुपयों का पेमेंट उठा रहा है। इस तरह बिना रोड वर्क कंप्लीट किए पेमेंट रिसीव करना ये कॉन्ट्रैक्टर के बस की बात नहीं है। इस काम में गुलबर्गा नॉर्थ MLA और कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं। शरण आईटी ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए कॉरपोरेशन कमिश्नर को वार्न कर कहा, अगर बिना काम कंप्लीट किए पेमेंट दिया जाएगा तो लोकायत में केस बुक कर MLA के साथ कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा भी ऐसे और कई घोटाले हैं जिसको एक के बाद एक गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश की जाएगी। मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video present by Mannur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Kalburgi awam ko mera Sharan IT ka namaskar aur salam. Aaj ka din hum Lalgiri Cross, ye road hai na Lalgiri Cross to Alan Check Post tak ye 1.5 km ka road hai, udhar hai hum. क्या हमारा मुहिम चल रहा है कलबुर्गी डेवलपमेंट काम के लिए? बहुत दिन से हम बहुत रोड का नाली का इशू लिए से है, उसका पार्ट आज लालगिरी क्रॉस टू आनंद चेकपोस्ट है। ये टोटल 1.5 km का रोड है, इसमें कलबुर्गी महानगर पालिका से 15 फाइनेंस में कितना बोले तो 22,53,00,000 का ये 15 फाइनेंस का फंड में ये रोड के लिए 1,60,00,000 टोटल, वो 1,60,00,000 रुपए इधर लालगिरी क्रॉस टू अलन चेक पोस्ट तक काम लिए सो है। ये काम चालू हो के 3-4 महीना हुआ, हाँ टोटल 1,60,00,000। इसमें सिर्फ 1/4 ऑफ द काम बोले तो 25% का काम बनाए सो है, 75% का काम नहीं बनाए। आप देख रहे होंगे, ये देखिए कितना खड्डे है और कितना रोड अभी पेंडिंग है, सिर्फ 25% का रोड काम किया सो है। ये रोड का काम क्या है बोले तो ये रोड को पैचेस गिरे से ना उसको 5 mm का डांबरीकरण करना बोल के बोले तो पूरा कहाँ का खड्डा गिरे उधर नहीं, पूरा लालगिरी क्रॉस से आलन चक पोस्ट तक पूरा 1 layer डांबरीकरण करना बोल के, 1 layer का डांबर का रोड बनाने के लिए 1,60,00,000 रुपए का टेंडर हुआ है। वो टेंडरदार कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लेके सिर्फ 25% का काम किए। कहाँ से कहाँ तक काम किए बोले तो अलन चेक पोस्ट से अलन नाका तक है ना, उसमें 2 रोड है राइट और लेफ्ट। वो शक्ति कपास का रोड है ना लेफ्ट में, वो सिर्फ 1 रोड बनाया सो है। उसमें भी आउटर हॉस्पिटल के सामने नहीं बोले तो 200 मीटर का पूरा, वो भी बरसात आने के बाद रोड बना के 1 हफ्ते में पूरा रोड खराब हुआ सो है। बोले तो हम सीधा सीधा कॉरपोरेशन के मांग कर रहे, डिमांड कर रहे कि आप कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डालो। आपका टेंडर के मुताबिक टोटल ये 1.5 km का रोड होना था, पूरा एकदम साफ रोड होना था डांबरीकरण, वो नहीं हुआ है। आपका ऑफिसर भी इसमें शामिल है, JEE, AEE, ये तीनों जने भी बिल लिखे हैं
हाँ उस पर वर्क कंप्लीटेड बोल के बिल लिखे सो है, उसके ऊपर सबका साइन हुआ है और झूठे फोटो भी निकाले सो है, और वो बिल पेमेंट के लिए कॉरपोरेशन कमिश्नर के टेबल पे है आज है। हम आज के दिन कॉरपोरेशन ऑफिस के जाके इंक्वायरी किए कि फाइल कहाँ पे है बोल के, थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन हुआ है और थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन भी पास हुआ है और बिल पेमेंट के लिए अकाउंट्स में गए सो है। हाँ दो चार दिन में अमाउंट भी रिलीज होगा 1,60,00,000 रुपए। हम मांग करते कि कॉरपोरेशन कमिश्नर को सख्त से सख्त कार्रवाई करना, बिल रुकाना, काम होने तक कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपए नहीं देना, पूरा काम कराना। ये लालगिरी क्रॉस से आलन चक पोस्ट तक काम काम करके लोगों को इंसाफ दिलाना, नहीं तो ये करप्ट सिस्टम है, करप्ट गवर्नमेंट है ना ये गवर्नमेंट, और इसमें पूरा हाथ लोकल MLA नॉर्थ MLA मैडम का है। क्यों बोले तो नॉर्थ में रहने के लिए कितना 3 किलोमीटर रेडियस है, उसमें 2 इम्पोर्टेंट रोड है, लालगिरी क्रॉस से आलनचक पोस्ट और दूसरे एक खरगे पेट्रोल पंप से हुमनाबाद रिंग रोड और आलनचक पोस्ट तक, इतने ही बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। इसमें ये 1,60,00,000 रुपए का इम्पोर्टेंट रोड कुछ उन्होंने पूरा खा के बैठे MLA लोग ऑफिसर लोग बोले तो ये कहाँ का सियासत है। हाँ मैडम का पूरा सपोर्ट है, JEE EEE सबको, इसलिए उन्होंने पेमेंट के लिए पास करके साइन करके पेमेंट के लिए अकाउंट पे है, कॉरपोरेशन कमिश्नर के टेबल के ऊपर है। इतना बोलने के बाद भी आप कॉरपोरेशन कमिश्नर और अकाउंट वाले बिल पास करके बिल पे किए ना, हम ये लोकायुक्त को डालेंगे कंप्लेंट। कलपे कामगारी इदे ई रोड कलपे कामगारिंद माडि इष्टु बिल ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನೋ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.